ऐसा जमाना भी आएगा कि लोग सुबह घर से निकलेंगे तो शाम को काफिर होकर लौटेंगे। बाबा की मदद अल्लाह ने की, वो 313 थे, सामने 1000 थे, लेकिन उसके बाद भी ये गालिब आए। जो तुम्हारे तरीके पर ईमान लाया तो वो फिर हिदायत पर है, नहीं तो फिर सरी इख्तलाफ में पड़े हुए। दुनिया में रहकर आखिरत को सुधारना ये दीन है, इसके बीच का रास्ता। ऐसा कोई शोभा अल्लाह के रसूल सल्लम ने नहीं छोड़ा जिसकी गाइड हमको नहीं किया, हमको नहीं बताया। सही में से भी अगर कुरान की आयत से हमको टकराती हुई मिलेगी तो हम उसको भी छोड़ेंगे, क्योंकि असल हमारे पास में क्या है, असल हमारी कुरान है। तो असल चीज़ है कि हम उस तरीके पर आ जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशरली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ इस हफ्ते वारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। हम किसके तरीके पर चलें, इस उन्वान के ताल्लुक से चंद बातें रखूँगा। ये यूँ तो एक जो लोग दीन में आना चाहते हैं और दाखिल होना चाहते हैं, वो सही चीज़ जानना चाहते हैं, तो उनके जहन में जो आज इतनी जमात और फिरकेबाजियाँ हैं, सब कुछ है, तो उनके जहन में सवाल आता है कि हम दीन पर चलना तो चाहते हैं, हम इबादतें अमल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में वो तरीका नज़र नहीं आता कि हर आदमी अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है कि हमारे पास में आओ, हमारे पास में सही दीन है, तो उसको एक तरीका नहीं मिलता। तो इस वजह से कई लोग दूरी हो जाते हैं कि अपने छोड़ दो इसको, क्योंकि अभी समझ में नहीं आता, ये इधर बुला रहे हैं, बोले हम हक पर हैं, हमारे पास में आओ, हमारे पास कुरान सुन्नत है, हमारे पास में ये है, हमारे उलमा ये कह रहे हैं। तो वो एक आदमी जो बीच का जो रास्ता जो आना चाहता है, लेकिन वो इस इख्तिलाफात की वजह से कि मैं जाऊँ किधर, किसके तरीके पर चलूँ, और वो उस दीन से दूर चला जाता है, निकल जाता है। तो असल हमको चलना किसके तरीके पर है और हम कामयाब हो सकते हैं, इसमें फला पा सकते हैं, और तरीके बहुत सारे हैं, बताए हैं लोगों ने, वो चलते चले आ रहे हैं और फ़िरकाबंदी होती जा रही है, हर मसलक अपनी तरफ बुलाता रहता है। और उसके अंदर किस तरीके पर चला जाए, तो वो कुरान और सुन्नत से अगर हम देखें, उसके लिए तहकीक करें कि वो क्या तरीका है, किसके तरीके पर चलें, तो सबसे बेहतरीन तरीका तो वो तरीका है कि ये जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और ये अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनके सहाबा को बताया, और वो कुछ भी कोई मसला आता था तो अल्लाह के रसूल सल्लम उनको गाइड किया करते थे। तो सबसे अगर बेहतरीन तरीका अगर इस्लाम में जो मुसलमानों का है चलने का, और जो इस पर चला है, जिसने चलकर बताया है, तो सबसे बेहतरीन तरीका वो सहाबा का तरीका है कि सबसे बेहतरीन तरीके पर वो चले, क्योंकि उनको सीधा अल्लाह के रसूल सल्लम ने गाइड किया है। और जो फिर सहाबा के तरीके पर चले यानी ताबईन, फिर जो उनके तरीके पर चले तबे ताबईन, और जो इनके तरीके को, इनकी चीज़ों को, इनके मनहज को लेकर चले हैं, तो उनके तरीके पर अगर हम चलें तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं, और उसकी दलाइल कुरान और सुन्नत में हमारे पास में मौजूद हैं। तो एक आदमी अगर इसमें आता है, एक मुसलमान, तो उसके लिए चाहिए कि वो सबसे पहले कि भाई सबसे पहले कौन चला, तो उसके तरीके पर उसको चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सारे, क्योंकि जितने ऐसा कोई फिरका या कोई जमात नहीं है जो ये नहीं कहती हो कि हम कुरान सुन्नत पर नहीं हैं, लेकिन बस उनका जो समझने का जो तरीका होता है, वो तरीके में इख्तलाफात होते हैं, वो सारे के सारे कुरान और हदीस की दलीलें भी देते हैं, और उसमें कुछ सही भी होती हैं, कुछ अपनी समझ भी होती हैं, सब अपने अपने तरीके पर उसको देते हैं। और या फिर इसके अंदर, या एक अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि वो जो जन्नत में जाने वाला फ़िरका है वो फ़िरके नाजिया है, तो हर आदमी उसके लिए कहता है कि वही फ़िरका हम ही हैं जो फ़िरके नाजिया हैं, हम हैं, या उसके अंदर कोई उसके तरीके बताता है, कोई उस पर अकड़ कर भी देता है कि हम ही, हमारे अलावा कोई भी नहीं है, और यही हमारा तरीका है। तो ऐसी जब स्थिति हो जाती है, ऐसी जब बात हो जाती है, तो एक इंसान परेशान हो जाता है
कि वो क्या करे। और वही आज हम देख रहे हैं कि एक आम मुसलमान जब आना चाहता है तो इसे इख्तलाफ में उलझ कर वो रह जाता है, क्योंकि सब अपने अपने दावे करते हैं। और हालात तो यहाँ तक हो चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम की पेशिन गोई भी हैं, जो सही तिर्मिजी के अंदर आती है हदीस नंबर 2197 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि ऐसा ज़माना भी आएगा कि लोग सुबह घर से निकलेंगे तो शाम को काफिर होकर लौटेंगे, ये सुबह लोग निकलेंगे तो शाम को ईमान वाले भी हो जाएंगे, ये भी आएगा, तो ऐसा ज़माना भी आएगा। और वही आज ज़माना है, क्योंकि आज इतने सारे लोग, इतने तरीके, इतने जमातें, इतने फिरके हैं कि एक आदमी जाता है कोई चीज़ उस पर व्हाट्सअप पर आई, फेसबुक पर एक क्लिप आई 5-7 मिनट 10 मिनट की, कुछ उसने यूट्यूब पर देख लिया और वो अपना पूरा मनहज, अपना तरीक़ेकार, अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेता है कि ये सही है, बाकी सब गलत, अभी तक मैं गलत था। मतलब ये स्थिति आज हो चुकी है कि हर रोज़ जाता है आदमी और उसका रोज़ उसकी समझ बदल जाती है। तो आज ये हो रहा है कि एक लेक्चर कोई सुन लेता किसी का तो उसकी पूरी तब्दीली उसके अंदर आ जाती है। और इसमें सब तरह के लोग हैं, कभी बातिल की तरफ भी चला जाता है, कभी हक की तरफ भी आ जाता है, लेकिन अक्सर हम देखें तो अक्सर लोग बातिल की तरफ इसमें चले जाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका ढूंढा जाए जो पाकीज़ा तरीका हो, जो सही इस्लाम को समझते हों। और वो समझने वाले कौन हो सकते हैं? वो एक ही हो सकते हैं कि वो सहाबा हो सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लम के साथ में थे। तो उनके तरीके को अपनाया जाए कि वो क्या कहते हो, किस तरीके से वो कुरान और सुन्नत को समझते थे और उस पर वो चलते थे, तो उस तरीके से हम उसमें चलें। तो ये जो तरीका है जिसको कहा जाता है, और किताबों में भी हमको मिलता है कि इन तरीके को जो चलते थे उनको कहा जाता है सलफ, यानी सलफी एक मनज। यह तो अभी ये भी हो चुका है कि एक सेल्फी ग्रुप भी हो गए। अब पहले तो ये था कि सेल्फी एक मनस था कि ये लोग जो चले आ रहे हैं जिन्होंने सहाबा से इल्म सीखा, फिर उसके बाद उनसे इल्म सीखा, तो वो एक उनको कहते हैं सलफ। तो वो सलफ उसके अंदर सभी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है कि हम जो चलते आ रहे हैं जो उस तरीके पर समझे हैं दीन को, तो वो भी इसके अंदर सलफ हैं। तो जितने भी लोग गुजरे हैं वो चाहे आज के भी हों लेकिन उस तरीके पर है तो वो भी सेल्फी हैं। तो सलफ का माना ये नहीं होता कि सलफ एक ग्रुप है या एक गिरोह है या एक फिरका है। सलफ यानी जो सहाबा के तरीके पर, तबे तबेईन के तरीके पर चला, उसको जो है सलफ कहा जाता है। तो अगर हम कुरान के अंदर या हदीसों के अंदर हम देखते हैं तो हदीस के अंदर मिलता है कि वो सलफ कौन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 3650 के, किसी ने सवाल किया और अल्लाह के रसूल सल्लम से फरमाया, तो उन्होंने कहा कि कौन सही जो है उस पे है, सही मनस पे रहेगा या कौन चलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो मेरे तरीके पर हैं और जो मेरे बाद और वो उसके बाद, यानी तीन वहाँ पर हमको बताए कि तीन लोग सही तरीके, उसके बाद में फिर मुख्तलिफ गिरोबंदी हो जाएगी। तो तीन तरीके हमको इसके अंदर मिलता है। तो हकीकत में यह है कि सहाबा, ताबेईन और तबे ताबेईन ये सलफ में से कहलाते हैं, और उसके बाद जिन्होंने इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी या गुजार रहे हैं आज भी, वो भी सलफ में ही आते हैं। लेकिन सलफ एक ग्रुप नहीं है, या फिर आजकल जो है सलफी कहकर भी ग्रुप हो गए हैं, वो अपने आप को कह देते हैं, तो फिर लोग उनसे भी वज्जन हो जाते हैं कि यार ये तो अपने आप को सलफी कह रहे हैं तो इनके तरीके पर चलने की बात हो रही है। लेकिन ये अभी है कि कुछ लोगों ने ग्रुप भी बना लिया कि सलफी ग्रुप है हमारा, लेकिन असल में सलफ कहा उसको जाता है जो अल्लाह के रसूल ने तीन जो अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया है। और अब पुरानी किताबें पढ़ते तो उसमें ये चीज़ें हमको उसमें मिलती हैं, जो मुहद्दिसीन उसमें लिखते हैं कि सलफ ने ये कहा, खलफ ने ये कहा, खलफ कौन, जो सलफ की मुखालफत करने वाले, तो ये उन्होंने ये कहा, तो ये हमको उसके अंदर भी मिलता है। और सहाबा के बाद में भी कई लोग आए भी हैं कि जिनको पुराने वक्तों में नाम दिया गया, जो किताबें पढ़ते हैं हम तारीख की तो उसमें मिलता है कि जो एक आए जो अपनी राय से फैसला करते थे तो उनको कहा गया कि एरू राय है, जो हदीस को मानते थे तो वो अहले हदीस भी कहलाए, तो ये उसके अंदर भी हमको मिलता है। एरू राय यानी कि राय, अपनी राय से वो समझते थे कि हम ऐसा समझते हैं, हम इसको हदीस को फॉलो नहीं करते, हम कुरान को ऐसे समझते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो खलफ, जिन्होंने जो है इनकी मुखालफत की। तो इसके अंदर क्या हमको फिर एक ग्रुप बनाना चाहिए, ये भी एक मसला आता है, क्या हम एक ग्रुप बनाएं, उसका नाम रखें। देखिए ग्रुप अगर कोई बनाता है, ये जमात बनाता है किसी काम के लिए, ताकि एक तंजीमों मिल के काम करे, तो वो वहाँ तक तो सही है कि उसके हिसाब से वो काम करे,
कि एक उनने नाम रख लिया कि हमारी जमात का इनाम होगा और हम ये काम करेंगे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसी को और उसको उनके ही जिनने उनको बनाया है और उनके ही जो उलमा इकराम गुजरे हैं और उन्हीं की बातों को अगर पकड़ कर बैठ जाते हैं तो फिर वो सही दलील आने के बाद भी नहीं मानते तो फिर वो गुमराह हो जाते हैं। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर होती है कि उन्होंने जमातें बनाई अच्छे कामों के लिए, खैर के कामों के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए बनाई ताकि कि ग्रुप में रहो, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात में रहो, ताकि जमात में एक रहने से, ग्रुप में रहने से आदमी बिखरता नहीं है, जाता नहीं एक पर्टिकुलर लोगों के साथ में वो रहता है, तो उसके लिए बनाए। लेकिन वो एक इतनी हद तक पहुंच गया कि वो फिरके हो गए और उसकी वजह से इख्तलाफात उनके अंदर पड़ गए। तो आम तौर पर तो ये है कि अगर क्या नाम दिया जाए फिर, क्योंकि आजकल लोगों को बुला पहचान बताई जाए तो वो पहचान ऐसे ही बताते हैं, बोले हम जो है बरेलवी हैं, हम तबलीगी जमात से हैं, हम देवबंदी हैं, हम जमात इस्लामी हैं, हम अहले हदीस हैं, तो ये सब अपने अपने नाम, लेकिन सिर्फ पहचान के लिए है तो ठीक है कि एक पहचान के लिए हो, लेकिन आम तौर पर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती है कि आपको ज़रूरत नहीं बताने की, क्योंकि सब मुसलमान हैं, कुरान के अंदर भी अल्लाह ने ये कहा कि हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, तो कहीं ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन आम तौर पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ तक तो वो ठीक है। और अब किसके तरीके पर चलें, तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं कि कई अहलुल राय भी आए हैं, कई लोग मंतिक से, कई सूफी आए हैं, उन्होंने अपने तरीके बताए हैं, और अब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस तरीके में से, इन सारे तरीक़ों में से ढूंढें उस तरीके को जिस पे जो है कामयाबी है, फलाह है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लम के हदीसों में हमको मिलता है, उस तरीके को ढूंढें। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि वो तरीका सहाबा का तरीका है, कि सहाबा का तरीका ढूँढें। तो नहीं तो अब जैसे यह कुरान में अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि दावे तो सब करते हैं, सारे लोग दावे कर रहे हैं कि हम हक पर हैं, लेकिन यह कुरान में अल्लाह ने यह फरमाया सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि वमा युमिनु अक्सर हम बिल्लाही इला वहम मुशरिकून, के लोग जो हैं कि किस तरीके पर, तो ये है यहाँ फरमाया कि अक्सर लोग ईमान का दावा करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो शिर्क पर हैं। तो अक्सर लोग तो दावा सारे के सारे जमातें सारे कुछ सब लोग ईमान का दावा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने यह कह दिया कि अक्सर लोग शिर्क पर हैं, जो दावा तो ईमान का करते हैं। और इसी तरह जो सूरह रूम में फरमाया, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 31-32 में फरमाया अल्लाह ने कि मुशरिकों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मुशरिकों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो खुद टुकड़े टुकड़े हो गए, और हर गिरोह जो उसके पास है वो उसमें मग्न है, वो उसके अंदर मग्न है कि हमारे पास है वही हक है और वही सच है, और उसके अंदर मुतमईन होकर वो बैठा हुआ है, यानी इन्होंने टुकड़े कर दिए दीन के। तो आज फ़िरकाबंदी जो है इसकी वजह है कि फ़िरकाबंदी जो बन गई है, और इसके अंदर किसी ने दीन को इतना आसान कर लिया कि उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, जो तलाक इतनी टिपिकल थी जो इस्लाम ने दी थी, और उस तरीके से अगर कोई देता तो ज़िंदगी भर तलाक ही नहीं ले पाता, लेकिन उसने इतना आसान कर लिया कि बोल दिया तो चलो जाओ घर हो गया फैसला, इतना आसान कर दिया किसी ने, इतना आसान उसको कर दिया। और किसी ने जो है इसको इतना सख्त कर दिया कि उसने कह दिया कि इतना ये बाल से ज़्यादा बारीक है, इस पर चलना ही मुश्किल है, इतना सारा मसला है तो इस पर अमल नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर इफराद और तफरीद के शिकार लोग हुए हैं, और किसी ने आसान और किसी ने इसको इंतहाई जो है सख्त कर लिया। तो सही जो तरीका छोड़ा उसकी वजह से मुश्किल पेश आई कि सही तरीके को छोड़कर लोग मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि अगर सही तरीके पर होते तो सही तरीके पर और सही मनस पर अगर कोई होता है तो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सहाबा की मदद अल्लाह ने की, वो 313 थे, सामने 1000 थे, लेकिन उसके बाद भी ये गालिब आए, ऐसे कई मौके हमको तारीख में मिलते हैं, क्योंकि सही दीन पर जो होता है तो अल्लाह उसकी मदद भी करता है। ये सुनन निसाई की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हदीस नंबर 184, और ये अल्लाह के रसूल सल्लम का इसका वाकया जो मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम एक बार बैठे हुए थे ज़मीन पर, उनके हाथ में एक टहनी थी और वहाँ पर उन्होंने एक लकीर खींची और उसके आसपास में और भी लकीरें खींची, तो सहाबा ने वो देखा कि ये क्या मसला, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम कोई भी काम बिलावजह नहीं करते, उसकी वजह होती है। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये क्या आपने किया, ये क्या चीज़ें आप बताएं, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने वहाँ पर बताया कि ये जो सीधी लकीर देख रहे हो ये मेरा रास्ता है, और ये आसपास जो है ये सब शैतान बैठे हैं, तो ये तुमको भटका देंगे, तो ये मेरे तरीके पर तुम चलोगे तो ये मेरा सीधा रास्ता नहीं, तो दूसरे तरीके पर जाओगे तो तुम भटक जाओगे। तो सहाबा को अल्लाह के रसूल ने समझाई दी, और कुरान में भी अल्लाह ने कई जगह फरमाया, सूरह अनाम में भी फरमाया कि
जो दूसरों के रास्ते पर चलेगा तो फिर वो भटक जाएगा, तो हकीकत में रास्ता वो है। इसी तरह जो है सही तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया हदीस नंबर 3992, और यहाँ फरमाया कि यहूदियों के 71 फ़िरके होंगे और नसरानियों के 72 फ़िरके होंगे और मुसलमानों के अंदर 73 फ़िरके होंगे, यानी कि तुम उनसे भी आगे निकल जाओगे फ़िरकेबाजी के अंदर, वो तो पीछे रह गए, जबकि अल्लाह ने तो यहूदियों को लानत भी की लेकिन वो भी 71 पर रह गए, नसरानी 72 पे और मुसलमान उससे भी आगे चले गए, यानी लानती कौम से भी आगे, यानी 73 में तुम चले जाओगे। तो साहबा ने फिर, क्योंकि साहबा उठ के अब हम कहीं नहीं चले जाएँ इसके अंदर, तो साहबा फ़ौरन सवाल किया करते थे कि फिर हम क्या करें, तो साहबा ने सवाल किया कि फिर वो कौन सा फ़िरका होगा, वो कौन सी चीज़ है, कौन सी जमात है जिसके साथ हम रहें, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि अल जमा, कि जमात में रहना, जमात में रहना। तो अब क्या जमात से मुराद जो जमात बनाकर रहना ज़रूरी है वही रहेगा क्या, यही बात है इसके अंदर, फिर जमात में जाना पड़ेगा किसी में हमको जो सही तरीके से हदीस चले। आगे एक और जो रिवायत मिलती है ये अल जामी की रिवायत है, यहाँ अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जब वही वाक्य उसके अंदर हुआ और साहबा ने पूछा कि वो कौन सा होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि वो नाजिया, अल्लाह के पास नाजिया फ़िरका होगा, तो नाजिया कौन, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि माना अलैहि वसाबी अलियम, कि जो वो कौन सा होगा कि जो आज मैं हूँ और मेरे साहबा हैं उनके तरीके पर होगा तो वो फ़िरके नाजिया होगा। तो यहाँ से भी हमको यहाँ पर पूरा मिलता है कि मैं और मेरे साहबा, तो यहाँ पर बताया तो तरीका इनका हमको लेना पड़ेगा, तो फिर हम वो फला पा सकते हैं, कामयाबी हम पा सकते हैं। तो क्योंकि ये इसलिए हैं क्योंकि इनके लिए कुरान के अंदर आयतें उतारी गई हैं, ये सवाल करते थे कि ये तुमसे सवाल करते हैं नबी, तो उसका ये जवाब देते थे, साहबा के कहने पर आयतें नाजिल होती थी, जो अगर ये कुछ गलतियां करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लम फ़ौरन इनकी इसलाह कर देते थे। तो ये गाइड किए गए हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, तो ये जो है उस सही तरीके पर ही है, यही थे। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 3650 में फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो है मेरा ज़माना है, सबसे बेहतरीन मेरा ज़माना है, और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, यानी तीन गिरोह के नापे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताया कि तीन गिरोह यहाँ पर होंगे। तो अब वो तीन गिरोह कौन से हुए कि एक तो जो अल्लाह के रसूल के साथ में थे यानी कि साहबा और ताबेइन और तबे ताबेइन, इन तीन गिरोह के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लम इनके साथ में फरमाया। तो ये कुरान हदीस, कुरान के अंदर हमको हदीसों के अंदर ये चीज़ें हमको उसमें मिलती हैं, और इस बात की गवाही सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा, इस बात की गवाही कुरान में भी दी अल्लाह ने, और अल्लाह ने कुरान में इनके ताल्लुक़ से फरमाया, सूरह निसा सूर नंबर 4 आयत नंबर 115 में अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स हिदायत वाजे होने के बाद यानी ईमान लाने के बाद में नबी की मुखालफत करे, यानी ईमान वाले के तरीके को छोड़े ईमान लाने के बाद, यानी कौन कि साहबा के तरीक़ों को जब वो छोड़कर दूसरे तरीके पर चले, तो नुवल्ली मा तवल्ला व नुस्ली जहन्नम, कि वो शख्स जो दूसरे तरीके पर चलेगा यानी कि इनके तरीके को छोड़कर, तो फिर हम उसको उसी तरफ पलट देंगे जिधर वो जाना चाहता है, फिर हम उसको रोकेंगे नहीं, उसको भटकता हुए छोड़ देंगे, और उसका ठिकाना फिर जहन्नम होगा और बहुत ही बुरी जगह वो सात मुसीरा, कि वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 4607, कहा कि मेरे साहबा जब तुम में से कोई लंबी उम्र पाएगा या बाद में जो लोग आएंगे तो तुम इसके इम्मत के अंदर कसीर इख्तलाफ देखोगे, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होगा। और तो साहबा ने कहा कि फिर हम क्या करेंगे, अगर हम उस दौर में पहुँच गए तो हम क्या करेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी सुन्नत को, यानी जो मैंने कहा उस सुन्नत को, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को, यानी जो चार खलीफा गुजरे हैं उनकी सुन्नत को तुम पकड़ लेना, बल्कि क्या कि दांतों से पकड़ लेना, हाथ से भी नहीं पकड़ना, दांतों से उसको पकड़ लेना, और दीन में नया काम ना करना, क्योंकि दीन में नया काम करना बिदत है और हर बिदत गुमराही, वो जो खुतबों के अंदर हम सुनते हैं कुलो बिदतिन जलाला कुलो जलालतिन फिन्ना, कि तुम ये वो काम ना करना नया काम, तो दांतों से पकड़ लेना, हाथ से भी नहीं, क्योंकि हाथ की पकड़ फिर भी छूट जाती है, तो दांतों की पकड़ सबसे मजबूत होती है। इसलिए आप देखेंगे कि लोग जो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो वो हाथों से नहीं बनाए हैं, दांतों से बनाए हैं। आप देखिए कोई दांतों से जो कार को खींच रहा है, क्योंकि दांत की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि पूरी कार भी खींच लेता है, जबकि हाथ से नीचे खींच पाता हो। कई लोगों ने बसें खींची है, कई लोगों ने ट्रेन के इंजन भी खींचे,
और यहाँ तक भी पहुँचे कि लोगों ने हवाई जहाज भी दांत से खींच लिए। तो ये दांत के इसलिए फरमाए यहाँ पर कि दांत से पकड़ लेना, ये सब मजबूत पकड़ना इसको, क्योंकि ये सबसे जिसमें की सबसे मजबूत पकड़ है, तो तुम फिर भटकोगे नहीं। तो अब ये जो तीन लोग हैं ये कौन है? ये सलफ वाले लोग हैं, जो और वो भी लोग जो इनके तरीके पर चलते हैं वो भी जो है सलफी हैं, जो आज के ज़माने के भी हों तो ये सारे लोग सलफ कहलाते हैं। तो सलफ का मतलब ये नहीं कि कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप के पीछे चला जाए, या कोई दावा करे कि हम सलफी हैं, हमारा सलफी ग्रुप है, सलफी माना से, या कोई अपनी जमात का नाम ये रख ले तो क्या उसके तरीके पर चला जाए, वो माना उसका सलफ का माना चलने का, जो ये लोग जो उस पर चलते आए तीन लोग और उसके अलावा जो उनके तरीके पर चले वो सारे सलफ हैं। तो ये कुरान और सुन्नत को हम इनके तरीके पर समझेंगे, इनके तरीके हमको समझना पड़ेगा। और ऐसा अब ये कि कुरान और सुन्नत को तो समझता हर जमात हर तबके के लोग अपने अपने हिसाब से समझते हैं, वो भी जो दलील देते हैं किसी काम को अगर वो कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि गैरशरी है तो उसकी वो दलील लेकर आते हैं, कुरान से भी लाते हैं और हदीस से भी देते हैं कि देखो ये हदीस में ये फरमाएगा, ये कुरान की आयत ये कह रही है, तो वो भी उससे देते हैं। लेकिन क्या कुरान सुन्नत काफ़ी हो जाएगा? क्योंकि अब उसके लिए कि इनको कैसे समझा, वो सबसे बेस्ट किसने समझा? वो सहाबा ने समझा, तो फिर उनके तरीके को हमको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो इससे दोनों से दलील तो लोग अपने अपने हिसाब से ले लेते हैं, तो उसके तरीके से हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि बातिल जो है, बातिल फिरके हैं, जो बातिल लोग जिनको मालूम है कि हाँ ये बुनियाद से ही फिर गए, एक इख्तलाफ वो होता है जो हमारे मसाइल के अंदर इख्तलाफ होता है, वो छोटा इख्तलाफ है, वो हो सकता है वो राय का इख्तलाफ है, वो रहेगा कयामत तक रहना है कि हर आदमी अपने अपने आप से सोचता है। लेकिन बुनियादी इख्तलाफ कि जहाँ पर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जा रही है, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा जा रहा है, तो ये बुनियाद है, यदि ये तो दीन की बुनियाद है। लेकिन इसके अंदर इख्तलाफ हो जाए तो फिर हमको जो है उसके अंदर फिर इनके फेम पर आना पड़ता है, सहाबा के फेम पर, कि क्या इन्होंने इसको ऐसा समझा और क्या इन्होंने ऐसा किया, तो फिर हमको इनके तरीके पर समझना पड़ता है। नहीं तो लोग अपने अपने हिसाब से दलीलें निकाल देते हैं कि जैसे कुरान में सूरह माउन में अल्लाह ने फरमाया कि लानत हो उन नमाजियों पर, तो लोग कहते देखो नमाजियों पर तो लानत, आपको नमाज पढ़ने जाए छोड़ो, इसे भी निकालने वाले लोग हैं, इसलिए नमाज ही नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन पर तो लानत की गई। तो ये तो अपने हिसाब से लोग अपनी मनमर्जी का तरीका भी निकालते हैं, तो सहाबा ने कैसे समझा इसको, इसे इसको हमको समझना पड़ेगा। और तो इनके तरीके पर अब चले क्यों, सहाबा के तरीके पर क्यों चलें? इसलिए चलना है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया जो हमने देखी दलीलें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, तो इसलिए इनके तरीके पर चलना है। और अल्लाह ने एक और जगह फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137 में फरमाया कि अगर ये तुम जैसा ईमान नहीं लाते हैं, अगर ये तुम्हारे जैसा ईमान लाए तो ये हिदायत पर है, नहीं तो फिर ये सरी इख्तिलाफ के अंदर है। यानी कैसा ईमान लाना? सहाबा जैसा ईमान, क्योंकि आयत कहाँ पर नाजिल हुई है? सहाबा के लिए वहाँ पर हुई, जो सहाबा सबसे पहले सहाबा से किताब होता था, कुरान की आयतों का अल्लाह के रसूल पर नाजिल होती है, अल्लाह उनको सुनाते थे, उनसे किताब होता था कि जो तुम्हारे तरीके पर ईमान लाया तो वो फिर हिदायत पर है, नहीं तो फिर सरी इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि तुम बढ़ जाओगे। और वही हुआ कि उनके तरीके को छोड़ा तो इसलिए आज हम बढ़ गए और फिरकों के अंदर बढ़ गए, गिरोबंदी के अंदर बढ़ गए। तो पहले जो ईमान लाए उनके ताल्लुक से यहाँ पर फरमाया जो साबिक और अव्वलून है, यानी जो पहले ईमान लाने वाले, इसके ताल्लुक से एक और जगह फरमाया अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 100 में फरमाया कि और जो सहाबा के तरीके पर हैं और इसके बाद इनके तरीके पर चले, इनकी पैरवी करे, तो अल्लाह फिर इन सब से राज़ी हुआ और ये सब अल्लाह से राज़ी हुए, रज़ी अल्लाह अन्हु, कि जो इनके तरीके पर चलेगा तो अल्लाह फिर उनसे राज़ी हो जाएगा क्योंकि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ, तो जो इनके तरीके पर चलेगा तो फिर अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा और ये भी फिर अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे, यानी आखिरत में इनको नुकसान नहीं होगा, ये जाएंगे और इनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो ये भी अल्लाह से राज़ी रहेंगे। तो इनके तरीके पर होंगे तो क्यों इनके तरीके पर हमको चलना है? क्योंकि एक तो सहाबा जो थे, ये जो सलफ थे, ये जो हक वाला ग्रुप है, जो अल्लाह रसूल फरमाए कि एक ही हक पर रहेगा, और ये फिरके नाजिया वाला ग्रुप है, तो ये कामयाब फिरका है, तो इनके तरीके पर चलना है। वो सहाबा वो हैं जो अल्लाह ने जिनको चुना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि क्योंकि अल्लाह जब चुनता है, एक तो नबियों को चुनता है, रसूलों को चुनता है अल्लाह, और उसके बाद में उनकी मदद के लिए, उनके साथ में रखने के लिए, ताकि उनकी बातों को आगे वो पहुँचाएँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक के बाद एक बार रसूल आते जाए, एक रसूल आते हैं उसके बाद में बहुत सारा एक वक्फा होता है, 100 साल का, 200 साल का, 500 साल का एक वक्फा होता है, तो उतने वक्त तक उनकी जो तालीमात है लोगों तक पहुंचाते रहें, तो उसके लिए अल्लाह ऐसे लोगों को चुनता है जो उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाए।
تو اللہ نے صحابہ کو بھی جو ہے اللہ نے ہی چنا ہے، اور ان کی لیے جو ہے ان کی مثال تورات اور انجیل میں بھی ملتی ہے، اور یہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ فتح 148 آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں جو رکوع و سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں، اور ان کے نشان ان کے چہروں پر ہیں، اتنی ساری صفاتیں بتائی کہ صحابہ کی، اور ان کی یہی مثال تورات میں اور انجیل میں بھی ہے۔ تو ان کی مثال صرف یہی نہیں کہ صرف قرآن کے اندر یا حدیث میں اللہ کے رسول نے دی، ان کی مثال تورات اور انجیل میں بھی ہے، یہ اللہ نے خود اس کے اندر جو ہے یہاں پر کیا ہے۔ تو یہ چنے ہوئے لوگ تھے جو اللہ کے رسولوں کے اور نبیوں کے ساتھیوں تھے، اور خاص کر اس میں صحابہ، تو ان کے منص پر چلنا اس لیے زیادہ ضروری کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں۔ اور کیوں ان کے اس پر چلا جائے، کیوں چلیں ان کے طریقے پر؟ وہ اس لیے چلیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے وہی نازل ہوا کرتی تھی، سب سے بہترین وہی جانتے تھے، کیونکہ وہ سامنے ان کے وہی آتی تھی، اللہ کے ان کو سناتے تھے، تو اس لیے بھی چلنا ضروری ہے کہ ان سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے۔ کوئی چیز ہمارے سامنے اگر بنے گی تو سب سے بہترین ہم اس کو سمجھیں گے کہ دوسرا سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا جس کے سامنے اس کو بنایا گیا ہے، تو ان کے سامنے وہی آتی تھی، نازل ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ بہترین طریقے سے اس کو سمجھتے تھے۔ اور ان کے لیے، ان کے اصلاح کے لیے، ان کے سوالوں پر، اور ان کی جو ہے اگر کچھ غلطیاں ان سے ہو جاتی تھی تو اس کے لیے اللہ وہی نازل کرتا تھا، اور کئی مثالیں قرآن کے اندر کہ ان کے لیے آیتیں نازل کی گئی۔ حضرت عمر نے کوئی بات رکھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فوراً وہی آ جاتی تھی، یعنی سیدھا اللہ گائیڈ کر دیتا۔ یہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا کہ، کیونکہ ان کی فضیلت ہے صحابہ کی، ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہی پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے جو ہے اللہ تک اس کو پہنچایا کہ اللہ انہوں نے سوال کیا، ویسے ہی جبریل علیہ السلام امین لے کر جو ہے وہی لے کر آ جاتے تھے۔ اور اسی صحابیات بھی گزری ہیں، سورہ مجادلہ اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک صحابیات آئی تھی، وہ جو مسئلہ تھا وہ طلاق کا، جو ان کی شوہر نے ان کو طلاق دے دیا تھا کہ تو میری جو ہے ماں جیسی، تو اسی وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی، اللہ کے رسول ان کو مسئلہ بھی پتہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے وہاں پر بھی اللہ سے نہیں کہا، اس سے پہلے وہ جو ہے گڑ گڑا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، تو وہاں پر جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے، سورہ مجادلہ کی آیت نازل ہو گئی، اور آ کر وہاں پر بتلا دیا کہ یہی ہے اس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ صحابی اور صحابیات ہیں جن کے کہنے پر اور جن کے مسئلے پر وہی آیا کرتی تھی، تو اس لیے ان کے طریقے پر چلنا سب سے زیادہ ہم کو ضروری ہے، کیونکہ ان کو گائیڈ وہیں سے کیا گیا۔ اس طرح اور کیوں چلیں؟ اور یہ وجہ بھی ہے چلنے کی، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور صحابہ کی زبان، مادی زبان جو تھی وہ عربی تھی، تو عربی کو سب سے بہترین طریقے سے کون سمجھ سکتے تھے؟ وہی سمجھ سکتے تھے، کیونکہ ان کی مادی زبان تھی، وہ پیدائشی اسی کو بولتے تھے۔ تو اب ایک دوسرا جو سمجھے وہ تو دوسری بات ہے، کیونکہ اس لینگویج کو انہوں نے سیکھا ہے، لیکن یہ تو بولتے آ رہے ہیں، ان میں بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ شاعر تھے، تو شاعری کی زبان سب سے بہترین زبان ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک اعلیٰ وہ ہوتی ہے، اور یہ بڑے بڑے خود شاعر تھے، تو ان کو زبان کی مہارت بھی تھی، تو اس لیے بھی ان کے طریقے پر سمجھنا، اور ان کے طریقے کا ہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور کیوں چلے؟ اس لیے کہ ان کو ہر چیز کا مسئلہ معلوم تھا۔ کیا معلوم تھا؟ کہ دور جہالت میں جو طریقے تھے اس کو جب رد کیا گیا قرآن سے اللہ نے، تو اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں سے، تو وہ یہ سب سے زیادہ جانتے تھے کہ وہ کیا تھی، وہ کیا چیزیں تھیں۔ نہیں تو قرآن میں بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر آتی ہے تو وہ ہم کو معلوم ہی نہیں پڑے گی، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یہ کوئی تقوی نہیں کہ تم گھر کے پیچھے سے اندر داخل ہو، گھروں کے اندر داخل ہو۔ اب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ سر کے پیچھے کے طریقے سے جانے سے منع کیوں کیا گیا۔ اب وہ ان سے کس سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جہالت کے دور کے اندر ہوا کرتا تھا، یہ صحابہ جب اسلام ان کے پاس دین نہیں تھا تو یہی کرتے تھے کہ جب بھی تھا یہ کہ نہ جائیں تو یہ کیا کرتے تھے کہ جانا تو گھر کسی کو کہتے ہیں کہ کسی گھر کے اندر سے دروازے سے جائیں گے تو ہی جانا ہوتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ اب ادھر سے جانے کی منع ہے جب تم احرام کی حالت میں ہو، تو پھر پیچھے سے داخل ہو جاؤ، تب یہ کون بتائیں گے؟ صحابہ ہی بتائیں گے کہ بھائی جہالت میں ہم کیا کرتے تھے، تو اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی یہ طریقے پر، تو وہی بتائیں گے، تو ان کے طریقے پر اس لیے چلنا ضروری ہے۔ تو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ہم کو سمجھنا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، قرآن کی آیت ہے تو وہ صحابہ ہم کو اس کے بارے میں بتائیں گے، نہیں تو قرآن میں بہت سارے آتے ہیں، حام، صبا، بحیرہ، یہ حدیثوں کے اندر الفاظ آتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، اور اسی طرح اوٹنی، بوتوں کا معاملہ، اور اسی طرح جو ہے لات، منات، عزا، تو یہ کون بتائیں گے کہ یہ پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ تو ان کو معلوم تھا کہ ہم اس طریقے سے کیا کرتے تھے، تو وہ اس کو اچھی طریقے سمجھتے تھے، ان کو ہم کو انہوں نے سمجھایا، تو ان کے طریقے پر سمجھ ہم کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے
सहाबा के तरीके बहुत सारे अगर हम पढ़ने जाएं तो कई चीज़ें उसके अंदर आती है जिसके जो है तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि सहाबा को ये भी मालूम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उनके सामने एक्सप्लेन किया तो कौन सी आयत खास है जो रसूलों और नबियों के लिए है। देखिए ऐसी भी आयत है कुरान के अंदर जो खास है अल्लाह के रसूल सल्लम के लिए, कुछ ऐसी है जो अल्लाह के रसूल सल्लम की बीवियों के लिए है तो वो भी सहाबा को मालूम है कि खास उनके लिए थी, और कौन सी आम लोगों के लिए है तो वो भी उनको मालूम था। नहीं तो फिर हम ये है कि हो सकता है कि हम ऐसी आयतों का माना उसमें समझे जो खास रसूलों के लिए ली थी और हम आम आदमी फिट करने लग जाएं कि देखो ये कहा गया तुमको ये करना पड़ेगा। जब कुरान में कहा कि नबी तुम उनसे लड़ो जब तक कि दीन गालिब ना हो जाए, अब किसी को आम आदमी फिट कर दें तो बोले तो नहीं तुम्हारा दीन मुकम्मल ही नहीं, दीन गालिब नहीं हो रहा, लड़ो चाहे मर जाओ शहीद हो, तो गलत हो जाएगा फिर। तो कुछ खास होती थी तो वो भी उनको सहाबा को मालूम था जो बीवियों के लिए थी उनकी या अल्लाह के रसूल सल्लम के खास थी, तो उसके बारे में उसका पसे मंजर वो अच्छी तरीके से वो जानते थे। और सहाबा क्या है कि इफराद और तफरीद के शिकार नहीं थे, यानी कमी और जाति के शिकार नहीं थे, जिस तरह से आज लोग किसी चीज़ को लेकर एक ही चीज़ को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और अपने हिसाब से जो चीज़ें वो बना लेते हैं सारी चीज़ों को ईजाद कर लेते हैं, तो ये जो सहाबा थे इफराद तफरीद के शिकार नहीं थे, क्योंकि इनकी जो है वहाँ पर इनको अल्लाह के रसूल गाइड करते थे, उनके लिए वही आती थी। इसी तरह जो है सही बुखारी की रिवायत है, क्योंकि इसका एक वाक्य भी हमको मिलता है सही बुखारी के अंदर कि अगर ये होते थे तो अल्लाह के रसूल फौरन इनको करेक्ट किया करते थे। जो एक वाक्य सही बुखारी का है हदीस नंबर 5063 के, जिसके अंदर एक आयशा रज़ी अल्लाह के पास में तीन सहाबी आए और आकर उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल वसलम की ज़िंदगी कैसी है, मामला बाहर का तो हम देख लेते लेकिन अंदर की ज़िंदगी कैसी वो तो आप जानती, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, वही तो अल्लाह के रसूल वसलम की ज़िंदगी है। तो उन्होंने देखा अरे कुरान में तो इतनी बातें बताई गई, इतने नमाज़ें पढ़ना है, इतने रोज़े रखना है, तकवा और ये चीज़ें बताई, तो ये अल्लाह के रसूल में ज़िंदगी है और तो फिर हमको तो और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसमें से एक ने कहा कि अब फिर मैं अगर मैं इसलिए क्या करूँगा शादी नहीं करूँगा, शादी करूँगा तो ज़िम्मेदारी आ जाएगी तो इसलिए क्या करूँ मैं शादी निकाह नहीं करूँगा, तो उसने जो है कसम उठा ली निकाह नहीं करूँगा। दूसरे जो थे उन्होंने कहा कि मैं जो है रोज़ा रखूँगा, रात को इबादत करूँगा, दिन में रोज़ा रखूँगा, हमेशा रोज़े से रहूँगा। और इसी तरह जिसने ने कह दिया कि और ये सारे यानी कि ये अपने तरीके से समझने गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लम जब आए तो आयशा रज़ी अल्लाह ने उनको बताया कि इस तरह का मामला हुआ, तीन लोग आए तो इन्होंने कहा, तो अल्लाह के रसूल फ़ौरन गए बुलाया और फिर आवामी खिताब किया, आवामी खिताब करके फरमाया कि मैंने निकाह भी किए हैं और मैं सोता भी हूँ, रोज़े भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, और जो मेरे तरीके पर नहीं है तो वो हम में से नहीं है, तो वहाँ फरमा दिया गया। तो ये है कि उन्हें फ़ौरन गाइड किया गया, जहाँ वो गलती करते थे अल्लाह के रसूल गाइड कर देते, तो इसलिए इनका तरीका सबसे बेस्ट तरीका है जो इस पर चला जाए। तो जो जाति किए तो भी उनको करेक्ट किया कि भाई इतना ही तुमको करना है। तो आज हम देखते हैं कि लोगों ने अपने हिसाब से समझा तो उसको एक तो या तो इंतहाई सख्त बना लिया जिस पर चलना ही मुश्किल हो गया, या किसी ने इतना आसान बना लिया कि उसको हलवा समझ लिया तो उसको आसानी से वो जैसे निकल जाऊँ। तो ये जो दीन है ये बीच का रास्ता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बस अब दीन पे चलना है तो सब कुछ छोड़ दो, राहिब बन जाओ, तो वो भी मना है दीन के अंदर, सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है। और ऐसा भी नहीं कि फिर पूरा इसको ही छोड़ दो और दुनिया में ही लग जाओ कि चलो रेंदो है दुनिया के अंदर, तो वो भी नहीं है। दुनिया में रहकर आखिरत को सुधारना ये दीन है, इसके बीच का रास्ता है। इसके अंदर कि दीन पर भी चलें, जो इबादत है जो फ़राइज़ अल्लाह ने रखे हैं, जो हम पर रखा है कि जो इतनी सलाहियत रखता है कि दीन को पहुंचाने का काम, तो वो भी वो उसको करना है, और उसके अलावा उसकी दुनिया भी उसको चलाना है, उसके रिश्तेदार बीवी बच्चे पड़ोसी के हक, मुसलमानों के हक, जानवरों के हक, माशरे के हक, ये तमाम की तमाम चीज़ों जो उसके ऊपर है जो माशरे में रहने के दुनिया के रहने के लिए ज़रूरी है वो सबको पूरा करते हुए उसको दीन पर चलना है। और वो सहाबा ने करके बताया, ऐसा नहीं कि करके नहीं बताया, क्योंकि एक ये चीज़ होती है कि कई लोग पिछले कई मजाहिब के अंदर होता है, उनकी बातें बड़ी अच्छी अच्छी लिखी होती हैं उनकी किताबों के अंदर, लेकिन कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई जो बातें लिखी होती है, क्योंकि उनके पास में नमूना मौजूद नहीं होता कि देखो ये लिखा हुआ तो इन्होंने चल के बताया, तो इसलिए वो खुद उनको छोड़ देते कि रहने दो ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी जो इबादतें उनकी जो तपस्या बताई गई इतनी कठिन बताई गई, अब आज कोई इस पर करता ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि ये तो फिर आज इसके आज जो है इस मामले इस धर्म को आज पालन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए नमूना मौजूद है कि जो जो बताया गया पूरे कुरान पर अल्लाह के रसूल सल्लम ने अमल करके बताया कि इसे अच्छे अमल होता है,
और ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास में सिर्फ यही था, अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास में लोगों के पास में तो एक एक बीवियाँ, उनके पास में उससे ज़्यादा बीवियाँ थी, और सबके हुकूक अदा किए, बच्चों के हुकूक अदा किए, सहाबा के हक़ उन्होंने अदा किए, पड़ोसियों के हक़ अदा किए, और वो बताएँ कि पड़ोसी के हक़ क्या क्या हैं, मुसलमानों के हक़ अदा किए बताएँ कि मुसलमानों के हक़ क्या हैं, गैर मुस्लिमों को हकूक़ अदा किए और बताएँ कि उनके हक़ क्या हैं, जानवर के साथ क्या मामला करना वो भी बताया, समाज के साथ क्या मामला करना वो भी बताया, जंग के अंदर क्या उसूल है, वहाँ क्या तुमको लवाजिमात रखनी है वो भी हमको बताया। तो हर चीज़ के अंदर हमको गाइड किया, रहनुमाई की। आलिम है तो क्या करेगा, जाहिल है तो क्या करेगा, मतलब तमाम के तमाम शोबे, ऐसा कोई शोबा अल्लाह के रसूल सल्लम ने नहीं छोड़ा जिसकी गाइड हमको नहीं किया, हमको नहीं बताया। तो ये पूरा प्रैक्टिकल दीन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फ़लसफ़ा है, जो उसके अंदर फ़लसफ़ी बातें बड़ी अच्छी तो लगती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। तो ये प्रैक्टिकल है, इस पर अमल किया जा सकता है, बल्कि करके बताया है। इसका जो है मिसालें अल्लाह के रसूल सल्लम खुद है पहले तो, उसके बाद में उनके सहाबाएँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर इस पर अमल करके बताएं, और उनके पास में बिजनेस भी होते थे, काम भी होते थे और इबादतें भी होती थी, उनके पास माशरे के अंदर, यहाँ तक कि बड़े बड़े कोई गवर्नर भी हुआ करते थे, सिपे सालार भी हुआ करते थे, और उसके बाद भी काम किया करते थे और इबादत भी किया करते थे, बीवी बच्चों को भी पाला करते थे, और रिश्तेदारों के हक़ भी दिया करते थे, आना जाना सब कुछ किया करते थे, और दीन पर भी मुकम्मल थे, जिनके ताल्लुक से खुद अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गया। तो जब वो कर सकते हैं इतना कुछ, वो अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, तो फिर ये प्रैक्टिकल दीन है, ऐसा नहीं कि इस पर अमल नहीं किया जा सकता, तो ये अमल इस पर किया जा सकता है। तो इसको इतना मुश्किल, ये बीच का रास्ता है कि हमको बीच के रास्ते पर चलना है, पूरा भी यही नहीं कि पूरा ही दीन में घुस गया, या फिर वो दुनिया से जो छोड़ के चला गया, रावगीब बन गया, जंगल में जाकर रह रहा है, भटक रहा है, क्योंकि दूसरे मजाहब में ऐसा ही होता है कि जब वो दीन पर चलना चाहते हैं तो सारी दुनिया को छोड़ देते हैं, बीवी बच्चों तक को छोड़ देते और फिर वो चले जाते हैं जंगलों के अंदर। तो हमारे इसलिए नहीं कि पता, हमको ये है कि इस पर यहाँ दुनिया में रहकर इस पे चलना है, ये जो है सहाबा का और अल्लाह के रसूल सल्लम का तरीका है, तो बीच का रास्ता है। और जो इनके मनज को अगर छोड़ेगा, इनके तरीके को, मनज यानी तरीका होता है, उसके तरीके को छोड़ेगा तो फिर वो क्या होगा कि वो फिर वो दीन से निकल जाता है, फिर वो भटकने के हो जाता है, फिर अल्लाह ने किया दिया कि फिर वो भटकता है तो हम उधर ही उसको भटकता हुआ छोड़ देते हैं। तो लेकिन यहाँ तो मामला ये कि लोग एक दूसरे को जरा जरा सी बात भी धक्के धक्के पर दीन से खारिज कर देते, ये ऐसा नहीं किया ऐसा किया दीन से खारिज, इस्लाम में नहीं है, एक काफिर हो गया, लानत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तरीके भी हमको यहाँ से लेने पड़ेंगे। क्या साहबा ने किसी को कहा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लम ने किसी को कहा, या कुरान में अल्लाह ने किसी को कहा, तो हम कहने वाले कौन होते हैं? तो वो तरीके भी जो हैं वो भी हम इसी से लेंगे कि दावत के तरीके, इस्लाह के तरीके, लोगों को जो क्या कहा जाए नहीं कहा जाए, तो वो तरीके भी हमको इसमें मिलते हैं। तो सलफ़ का जो तरीका है, यानी सलफ़ का तरीका जो सहाबा का और उसके बाद जो उन लोग चले उनका तरीका, बहुत आसान तरीका है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे मज़हब को देखते हैं और उससे इस्लाम को समझते हैं कि आज के दौर के अंदर इस्लाम पे चलना नामुमकिन है, इसको छोड़ेंगे तभी हम ऊपर जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। लेकिन इसकी कई मिसालें सहाबा ने भी पेश की, क्योंकि हज़रत उमर दुनिया के अंदर लाखों बादशाह हुए हैं, खलीफा ही हज़ारों हुए हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जो लिस्ट बनाई गई है कि टॉप 100 की, उसके अंदर हज़रत उमर का उसके अंदर 50वां रैंक आती है, उसके अंदर 50वीं रैंक, हालांकि उनकी रैंक और ऊपर हो सकती थी, लेकिन वो सर्वे उन्होंने जैसे किया, क्योंकि वो मुसलमानों ने तो नहीं किया, तो जिसने भी किया हो तो उसमें भी 50वीं रैंकिंग आती है, जबकि लाखों लोग गुजरे, लाखों, और उनकी उसमें 50वीं रैंक आती है, जो वो मुस्लिम तंजीम ने नहीं किया, गैर मुस्लिम तंजीमों ने किया, उनको शामिल किया गया, क्योंकि उन्होंने उनको बताया है उसके अंदर कि दीन पर और उसके अंदर भी कामयाब हो सकता है इंसान, वहाँ पहुँच सकता है कि आधी दुनिया से ऊपर के बादशाह थे, तो दीन पर चलकर भी वो पा सकता है। और कई सहाबा ऐसे थे जिनके ताल्लुक से आता है कि उनके पास इतना इतना सोना था कि जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी विरासत को तकसीम करने के लिए दो दो तीन तीन दिन तक उन जो है लोग कुल्हाड़ियाँ लेकर उनको तकसीम करते रहे, उनके बच्चों के अंदर सोने को, उनकी जितने बड़े बड़े सिल्ले थे कि उनको काट कर तकसीम करते रहे, जबकि उन्होंने सारे हक अदा किए, जकात भी दी और अल्लाह की राह में खूब खूब खर्च किया, लेकिन उसके बाद भी इतना था उनके पास। तो ऐसा भी नहीं है कि दीन पर चलकर जो है इंसान पैसा नहीं कमा सकता, उस पर भी कमा सकता, ये भी हमको मिसालें मिलती हैं। तो सहाबा की ज़िंदगी में हर तरह की हमको मिसाल मिलती हैं, और ऐसे ऐसे लोगों ने जो पढ़ाई के अंदर गए, जैसे इबन अब्बास हैं, इबन उमर हैं, ये इतने बड़े बड़े कि दीन के जो है बड़े बड़े ये मुहद्दिसीन थे, और बड़े बड़े सहाबा इनसे मसले पूछा करते थे, ये पढ़ाई के अंदर इतने आगे चले गए, तो ये भी हमको मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दीन पर चलकर आदमी जो है दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता।
तो दीन पर चलकर भी दुनिया के अंदर कामयाबी पाई जा सकती है, ऐसा नहीं कि दीन को छोड़ेंगे तभी कामयाबी आएगी, दोनों को साथ में रखकर चला जा सकता है। और इस पर ही सहाबा के मनस पर तरीके पर क्यों चलना ज़रूरी है, इसलिए कि कुरान और सुन्नत जो सहाबा के तर्ज पर नहीं होगा तो उनके अंदर फिर इख्तलाफ़ हो जाएगा, इख्तलाफ़ बढ़ेगा। और ये एक ही तरीका है जिस पर जो है अगर लोग आ जाएँ तो उनके अंदर इत्तेहाद भी कायम हो सकता है कि भाई सहाबा को आप देखें क्या सहाबा ने ये चीज़ करी है, ये त्यौहार जो आप बना रहे हैं, ये जुलूस जो आप निकाल रहे हैं, क्या ये सहाबा ने किया है कि नहीं किया, तो फिर वो तरीका ही नहीं है क्योंकि सबसे पहले वही करते हैं। उनको सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो सकती है, अल्लाह के रसूल सल्लम की खुशी में सहाबा को हो सकती है। गम किसको हो सकता है सबसे ज़्यादा, सहाबा को हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा गम बनाया तो फिर ऐसा गम बनाना जायज, अगर उन्होंने ऐसी खुशी मनाई तो ऐसी खुशी मनाना जायज, और अगर नहीं बनाया तो फिर हम करने वाले कौन होते हैं, क्योंकि असली सही समझ उनके पास में थी कि उनके सामने आए थे नाजिल होती। तो ये इत्तेहाद इससे भी कायम हो सकता है कि जो आज हमारे अंदर, क्योंकि जो हम इत्तेहाद की बात तो करते हैं लोग और इत्तेहाद किया जाता है करने के लिए अब, लेकिन इत्तेहाद का भी मसला है कि इत्तेहाद भी लोग करते करते अपने बैनर तले इत्तेहाद कर रहे हैं। अब एक पूरा फिरका है तो वो इत्तेहाद के लिए कर रहा है कि इत्तेहाद करो मुसलमान एक हो जाओ, लेकिन बुलाए किसको सब, वो उसी के पूरे ग्रुप को बुला रहा है, उन्हीं को कह रहा है एक हो जाओ, तो एक ही उनको एक करके क्या करना पड़ा। हर फिरके का ऐसा ही होता है, जो जमात है बरेलवी है, देवबंदी अहलेदीस भी है, तो वो भी वही, उनका भी पोस्टर लगा हुआ इत्तेहाद मुस्लिमीन इत्तेहाद मिल्लत, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं अपने लोगों को बुला रहे, सब अपने लोग आ गए, और दूसरा स्टेज पर कौन बोले सारे के सारे उसी जमात के और उसी के लोग, वही आकर उनसे कह रहे भाई एक हो जाओ वक्त की ज़रूरत है, अरे एक हो जाओ, और वो वहाँ से चिल्ला रहे एक हो जाओ, ये वहाँ से चिल्ला रहे एक हो जाओ, तीनों कह रहे एक हो जाओ, तो एक कहाँ से होंगे फिर, एक तो तब होंगे कि ये तीनों मिलकर एक जगह आए और फिर कहे कि अब तुम सब एक हो जाओ, और जब इन लोगों को जब लोग देखेंगे कि हाँ यार ये तीनों हमारे उलमा बैठ गए एक स्टेज पर और फिर वो लिखा हुआ है तो फिर वो कामयाब होगा, जहाँ लिख रखा है इत्तेहाद मिल्लत इत्तेहाद मुस्लिम, तो वहाँ पर फिर होगा कि हाँ, फिर आवाम कहेगी, फिर वो आपस में बैठ जाएगी हाँ रहे जब ये एक हो गए तो हमको भी एक होना, क्योंकि वो तो आवाम तो उनके पीछे होती है, तो फिर ऐसे एक हुआ जा सकता है। तो इत्तेहाद तो वैसे कायम होगा, और इत्तेहाद के लिए ये भी ज़रूरी है कि तरीका हमारे पास में एक हो, फिर आगे चलाना हो सियासी इत्तेहाद तो हम इससे भी कायम कर सकते हैं। तो ये है कि आज एक वाहिद तरीका यही है कामयाब होने का तरीका, कि हम सहाबा के तरीके पर आ जाएँ तो फिर हम एक हो सकते हैं, और जो है सलफ़ के तरीके पर आ जाए, सलफ़ के तरीके पर भी वहाँ पर उसके अंदर जो कुरान से, क्योंकि देखिए सलफ़ का जो लिखा हुआ हमारे पास में आया, जो साहबा ने जो बात कही, अल्लाह के रसूल हदीस ने जो बात कही, उलमा ने उसको छांटा भी है, क्योंकि बातें तो बहुत सारी आएंगी, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लम, ये साहबा ने कहा, ये भी हमारे पास में है, तो उलमा ने उसको छांट कर सही भी किया है। तो उसके अंदर भी अगर कोई बात सही में से भी अगर कुरान की आयत से हमको टकराती हुई मिलेगी तो हम उसको भी छोड़ेंगे, क्योंकि असल हमारे पास में क्या है, असल हमारी कुरान, तो कुरान के मुताबिक जो बात हमको मिलेगी, क्योंकि अब हमसे तो नहीं कह रहे साहब आके देखो ये वाला तरीके पर चलो, हमारे पास तो किताबों के जरिए ही आएगा, तो कुरान से अगर वो मेल खाता है, कुरान से नहीं टकराता है, तो फिर हम उस बात को हमको लेना पड़ेगा और उसी तरीके पर हमको चलना पड़ेगा। तो फिर ये जो है इसी को मनहज सलफ और ये सही तरीका चलने का, ये जो है सही तरीका है। और ये है कि इसके अंदर नाम की जहाँ तक बात है कि लोग अपने अपने ग्रुप अपनी जमात के नाम रखते हैं, तो नाम कभी भी कुछ हो सकता है, इस जो लोग चले हैं सही दीन पर उनके नाम यही नहीं थे जो आज हम देख रहे हैं, इससे पहले दूसरे मुख्तलिफ उनके नाम थे जो चला करते थे, सलफ मनहज पर थे, तो कभी उनका नाम जो है दूसरे नाम भी थे, क्योंकि वहाँ पर अहलुल सुन्ना ये जो है खुद वल जमा ये अल्लाह के रसूल सल्लम ने करके दिया ना कि अहलुल सुन्ना पे जो होंगे जो वल जमा पे होंगे, तो ये नाम भी था, तो साहबा ने कहा अपने आप को, तो ये उस वक्त ये नाम था, आगे जाके उसके नाम और भी हो सकते हैं, जैसे अहले हदीस हुआ, फिर ये आगे जाके और मोहम्मदी भी हो सकता है, अहले सलफ हो सकता है, लेकिन ये मनाम से फ़र्क नहीं पड़ता, नाम तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हमने एक तंजीम बनाई उसका नाम है, तरीका असल है उसके अंदर, वो तरीका क्या है उस तरीके पर चला जाए, भले वो जमात कह रही हो कि हम हमारा नाम ये है, जो हमने नाम ये रख लिया कि वल जमा रख लिया कि जो साहबा की जमात थी, लेकिन हमको वो देखना पड़ेगा कि इस तरीके पर हैं तो फिर हम उनके साथ ही, नहीं तो फिर उसके तरीके पर हम नहीं, तो असल जो है कामयाबी वहाँ पर है। तो नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन तरीका ये उसके अंदर होना चाहिए। तो ये मनहज सलफ है, और इसके अंदर
नहीं तो ये अहले सुन्नत वल जमात, अब सबसे ज़्यादा तो ये है कि यानी सहाबा अपने आप को कहा करते थे, ताबेईन कहा करते थे, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। जब खवारिज निकल गए तो उन्होंने अपने आप को ये कहा, या जब अहलुल राय लोग आए तब अपने आप को उन्होंने ये कहा, तो वो ये कहा करते थे। तो ये तो आज देखें तो लोग नाम रख रहे हैं अपना, बड़ा बड़ा लिखा रहता है अहले सुन्नत वल जमात, और शिर्क और बिदअत की दावत दे रहे हैं और गैर शरी सारे काम कर रहे हैं। तो फिर अब क्या ये नाम से जाएंगे, तो फिर ये तो अहले सुन्नत वल जमात नाम उन्होंने रख लिया सहाबा का, तो वो सहाबा के तरीका देखना पड़ेगा उसके तरीके पर ही कि नहीं, क्या उन्होंने किया उसकी दलील देंगे आप, तो फिर हम उसको मानेंगे, उनकी दलील नहीं मिलेगी तो फिर ये आपका किया धरा है, अब इस पर हम वो नहीं चलेंगे। तो असल चीज़ है कि हम उस तरीके पर आ जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताया और उनको इम्प्लीमेंट करके बताया समाज के अंदर, दुनिया के अंदर उस पर अमल करके बताया, वो थे सहाबा। और जो लोग फिर उसके बाद जो आए जो आज तक चल रहे हैं उसके ऊपर, उन्हीं मनस से चल रहे हैं, उनकी बातों पर अगर हम चलेंगे तो इसके अंदर कामयाबी है। तो ये इस टॉपिक पर मैंने बात में रखी कि हम किसके रास्ते पर चले, तो ये चंद बातें थी। आखिर में अल्लाह से दुआ कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे साल में मौत दे, अल्लाह हम से राजी हो, अल्लाह से राजी हो। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।